बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हो और खैरियत से हो। माय डियर फ्रेंड, आज एक और अहम लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू डिवाइड इररेगुलर एरिया इनटू इक्वल पार्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक का मतलब ये है कि एक इररेगुलर प्लॉट को हम किस तरह 3 या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर बहुत ही अहम लेक्चर है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका माइंड सही तरीके से क्लियर हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक रेगुलर प्लॉट है और इसका एरिया बराबर है 5926.623 स्क्वायर फीट। तो सबसे पहले इस प्लॉट का बाउंड्री आपने लेना है। इसके लिए आपने कमांड अप्लाई करना है बीओ, देन एंटर, पिक फाइंड एंड देन एंटर। तो इसका बाउंड्री हो गया इस प्लॉट का। इसके बाद मैं इस प्लॉट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक फर्जी लाइन लगाना है, एल एंटर। एग्जांपल में ये यहाँ पे एक फर्जी लाइन लगाता हूँ। देन एस्केप। उसके बाद मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस टोटल एरिया को 3 फीट डिवाइड करना है, क्योंकि हम ये प्लाट 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ। इसका एरिया बराबर है 5926.623/3। ये आप देख सकते हैं कि ईच पार्ट्स का एरिया बराबर होगा 1975.541। इसके बाद आपने एक कमांड अप्लाई करना है, अपलोड, देन एंटर। इसे एक फाइल आपने इसको लोड करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन लोड। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं CDVLX सक्सेसफुली लोडेड। इसके बाद आपने क्लोज करना है। इसके बाद आपने सीडी टाइप करना है, देन एंटर। फ्रेंड्स, ये वियतनाम लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने इस बाउंड्री पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन दिस रेफरेंस लाइन। और इसके बाद जिस साइड को आप सेपरेट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल, मैं इस साइड से सेपरेट करता हूँ। और इसके बाद आपने एक पार्ट का एरिया देना है 1975.541। इसके बाद आपने एंटर करना है एंड देन इस एंटर। इस लाइन के मूवमेंट आप देखें, ये खुद बहुत एडजस्ट होता है, क्योंकि ये एक पार्ट सेपरेट हो गया। इसके बाद में एक और लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रा करता हूं। इसके लिए आप अगेन सेम प्रोसीजर इसके लिए भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन आपने सिर्फ इसके साथ दूसरी पार्ट वाला का एरिया इसके साथ ऐड करना है। तो इसके लिए मैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ।
तो टू पार्ट्स का इस एरिया बराबर होगा 39.51.082। अगेन आपने सीडी लिखना है, देन एंटर, क्लिक ऑन दिस बाउंड्री, देन क्लिक ऑन रेफरेंस लाइन, देन क्लिक ऑन दिस साइट। इसके बाद आपने एरिया देना है 51.082। आप लाइन देख सकते हैं, ये खुद बहुत एडजस्ट होता है। तो ये फ्लैट तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसके बाद आपने इसको ट्रिम करना है, देन बाउंड्री, ताकि हर एक पार्ट सेपरेट हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि एवरी पार्ट सेपरेट हो गया। इसके बाद अब मैं आपको इसका एरिया दिखाता हूं, ये ठीक है या गलत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपने बस पार्ट क्लिक करना है, इन राइट क्लिक, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। माय फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एरिया बराबर है 1975.541। ये आप देख सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट का एरिया है। इसके बाद मैं सेकंड का एरिया आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करना है, इन राइट क्लिक, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी 1975.541 is also same। इसके बाद मैं आपको तड़का एरिया दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज। तो आप देख सकते हैं कि इसका एरिया भी बराबर है 1975.541 स्क्वायर फीट। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेथड बहुत ही अहम मेथड है और ये आपकी बहुत काम आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखो, और जो इसका फाइल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर, तो प्लीज यू कमेंट्स मी। And if you don't subscribe my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for new updates. Inshallah, see you with another video. Bye bye.